वेल माई डी स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इज स्टेटस ऑफ ट्रीटी इन यू एस एज़ यू नो कि जो लेबर लॉ इन पाकिस्तान है उसका जो सोर्स है वो इंटरनेशनल कन्वेन्शंस हैं जो कि आई एल ओ मरतब करता रहता है और पाकिस्तान जो है वह सिग्नेटरी है टू द कन्वेंशन ऑफ आई एल ओ इस तरह और दूसरी स्टेट्स जो हैं वो भी सिग्नेटरीज हैं आई एल ओ के कन्वेंशनस की आइए इस टॉपिक में हम देखते हैं कि जो यूएस है वो आई एल ओ के कितने कन्वेंशनस का सिग्नेटरी है और जो ट्रीटी है जो इंटरनेशनल ट्रीटी है उसका स्टेटस यूएसए में क्या है पार्लियामेंट वहां की उसको कैसे ट्रीट करती है प्रेजिडेंट कैसे ट्रीट करता है सेनेट का उसमें क्या रोल है स्टीफन पी Mulligan, legislative attorney of US, states in his research paper, ladies and gentlemen, that international law is derived from two primary sources, and the sources are international agreements and customary practices. USK जिमन में ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो है यूएस साइन कर सकता है बाय मींस ऑफ ट्रीटी और इसको ट्रीटी को जब वो साइन करते हैं तो उसको एग्जेक्टिव एग्रीमेंट का नाम भी वो देते हैं जो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी यूएस के कॉन्टेक्स्ट में है वो प्रेसिडेंट के ऊपर आती है और माय डियर स्टूडेंट्स अंडर यूएस लॉ आ ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट निगोशिएटेड एंड साइंड बाय अम्बर ऑफ द एग्जेक्टिव ब्रांच दैट एंटर्स इन टू फोर्स इफ इट इज अप्रूव बाय अ टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द सेनेट तो इंग्लैंड के तनाजर में यह था कि सीधा प्राइम मिनिस्टर ट्रीटी को साइन कर सकता है यहां पर जो यूएस है इसमें एग्जेक्टिव जो है वो प्रेजिडेंट ट्रीटी को साइन नहीं कर सकता अनलेस अनटिल सेनेट की टू थर्ड मेजोरिटी उसको अप्रूव ना करे तो पहले सेनेट उसको अप्रूव करती है और बाद में जो प्रेसिडेंट है वो उस ट्रीटी को रेटिफाई करता है नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस द ट्रीटी क्लॉज एज कंटेन्ड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल टू है सेक्शन टू है क्लास टू है जो कहता है द पावर्स टू मेक ट्रीटीज वेस्ट इन द प्रेजिडेंट एक्टिंग विद द एडवाइस एंड कॉन्सेंट ऑफ दैनिट तो प्रेसिडेंट जो है वो ताबे रखा है उन्होंने सेनेट के अगर वहां पर सेनेट उसकी अप्रूवल करती है टू थर्ड मेजोरिटी से तो प्रेसिडेंट कैन मूव ऑन टू साइन ट्रीटी अदरवाइज वो ट्रीटी साइन नहीं कर सकता इस जिमन में बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस हैं वो इंटेंड करते हैं कि एडवाइस एंड कॉन्सेंट टू बी सेपरेट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रीटी मेकिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रेशन ऑफ द स्कॉलर्स बाय द स्कॉलर्स द एडवाइस एलिमेंट रिक्वायर्ड द प्रेजिडेंट टू कंसल्ट विद द सेनेट ड्यूरिंग ट्रीटी निगोसिएशन बिफोर सीकिंग द सेनेट फाइनल कॉन्सेंट जिस वक्त ट्रीटी के मुतलक प्रेजिडेंट ऑफ यू एस नीगोशिएट कर रहा होता है तो वो सेनेट के साथ बातचीत में नहीं आता लेकिन सैनट अपना रोल जो है वो एडवाइस का वो अदा करती है बाई गिविंग कंडीशनल कॉन्सेंट अथॉरिटी टू द प्रेजिडेंट dear students, under established u.s. practice, the president cannot ratify a treaty unless the president accepts the senate's conditions. hope you have understood the topic. thank you very much indeed.